What's up YouTube? Welcome back to our channel. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अंकुर. और क्या हालचाल है हमारी अल्फा ट्राइब के? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. और यार, हम हमारी छुटकी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बार बार टेंट्रम दिखा रही है. उठाना इसलिए है क्योंकि हमको अभी निकलना है. कहाँ निकलना है, क्यों निकलना है, वो आपको आगे आगे पता चलता रहेगा. हम अपने इंस्टाग्राम में भी इसका स्टोरी डालते रह रहे हैं, तो यहाँ पे लिंक में हमारे इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, उसको आप फॉलो करिए तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा. ब्लॉग तो ऑब्वियसली लेट आएगा थोड़ा बॉस. और आज है ना, ये जो व्लॉग रहेगा, ये जो हमारा जो सीरीज़ वेकेशन सीरीज़ रहेगा, ये काफ़ी महीनों में बहुत यूनिक रहेगा. क्योंकि जनरली अंकुर भैया क्या करते हैं, या तो बाइक पे राइड करते हैं या तो कार पे सवारी करते हैं. इस बार आप लोगों को नए नए मोड्स पे सवारी हम करेंगे और नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया जाएगा. तो मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत पम्प्ड है. वहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ जाके उनसे भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराते हैं. लेकिन अभी टाइम हो रहा है 5:30, अब बस निकलने का टाइम है. यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके जो दूसरी जगह है वहाँ पे आपसे बात करता हूँ. पहले एक बार गाड़ी गड़िया में थोड़ा सामान वामान लोड कर दें, उसके बाद आपसे तसल्ली से बात करते हैं. अपना ये स्पॉट नंबर 1 एंड विद फैमिली नंबर 1, ये हमारे अजीमो शान सहनसा, हमारे विनय भाई, जो कि हैं, जो कि ये क्या है पता है, ये वडोदरा के सीमेंट मैग्नेट है. बड़े लोगों से यार अंकुर भाई की जान पहचान है. तो ये देखो, अपना ये फर्स्ट स्टॉप है. यहाँ पे अपने सामान, अपन ने गाड़ी भी चेंज किया है, सामान सारा ऊपर टॉप पे लोड किया है. अब यहाँ से हम रोड ट्रिप पे निकलेंगे. इस बार का ये फन होगा कि इस बार अंकुर भैया गाड़ी नहीं चलाएंगे, अंकुर भैया फुल ऑन मज़े लेंगे, आप लोगों को भी मज़े कराएंगे. तो बस ये गाड़ी अभी लोड होती है, फिर यहाँ से हम आधे घंटे में 15-20 मिनट में निकलेंगे. 6:30 से 7:45 का यहाँ से निकलने का टाइम है, तो वो निकलते हैं और फिर आप लोगों से रास्ते में बात करते हैं. हम प्रस्थान कर चुके हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली हमारी आ गई है. मैडम भी है, ये विनय भाई की वाइफ है एंड शी इज एन एंटरप्रेन्योर. अभी आगे जाके सबसे मुलाकात करवाएंगे, बच्चा पार्टी हमारी ऑलरेडी रेडी. तो भैया, निकलने से पहले भगवान का नाम तो लेना जरूरी है. बोलो श्री अम्बे मात की जय, हर हर महादेव. साला बादल देखो क्या मस्त हो रहा है यार, गजब सा रे वाला आ रहा है. बिकॉज चाय इज लाइफ. अभी एक बार और रुक गए, यहाँ पे चाय वाला है और ये बोले कि भैया बहुत ही तांत्रिक चाय वाला है. उन्होंने वर्ड कुछ और लिया था पर मैं वो बोल नहीं सकता, 18+ वर्ड हो जाएगा. लेकिन चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं बाकी की फैमिली से. ओह, मैंने थोड़ा मतलब बता दिया, लेकिन आगे मिलते हैं, आगे लोगों को मिल पाते हैं. छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, वॉशरूम ब्रेक. बच्चे साथ में होते हैं तो यार उनके लिए भी रुकना पड़ता है. यहाँ पे ये अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पे ये रिलायंस का लैंडमार्क है, रिलायंस पेट्रोल पंप का एंड ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है, तो यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं. ये बच्चे थोड़ा फ्रेश हो लें फिर यहाँ से आगे निकलते हैं. नेविगेटिंग थ्रू अहमदाबाद इज़ लाइक नेविगेटिंग थ्रू अ चक्रव्यूह. यहाँ देखो आंटी और अंकल, ये लोग सब, ये देखो ऑटो वाले एकदम पहले ही अंदर घुसा देंगे. जैसे इनके बिना तो भैया, इनको ये मोदी जी से भी ज़्यादा व्यस्त लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है. हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से गाड़ी निकाले और ये देखो बस वाले अंकल भी घुसेड़ ही देंगे. ये बस वाला तो अंदर ही घुसेड़ देता अभी. वो बस वाला, मेरे को लगा वो अंकल बोल रहा होगा कि तुम लोग है ना रोड पे चलो, हम तुम्हारे ऊपर चलाएंगे. सामने एक और अर्टिगा जा रही है जिसमें हमारी दूसरी फैमिली है, फैमिली स्लैश एस है. अब उनसे भी मिलते हैं फटाफट.
हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और ये है हमारा सोर्स डेस्टिनेशन साबरमती रेलवे स्टेशन। हम साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, यही था ट्विस्ट। पहले हम अपने फ्रेंड के यहाँ कार से गए अपनी, फिर हमने एक कैब की और उसके बाद अब हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अब आगे की जर्नी हम ट्रेन से करेंगे और यार आप लोगों को दिखाएंगे बढ़िया चीज़ एकदम। ये देखो साबरमती, अभी आगे जाके आपको और डिटेल्स देते हैं कि कैसे क्या है, कहाँ जाना है। अभी वेट कर रहे हैं बाकी फैमिलीज का। एक्चुअली उन्होंने गलत रूट ले लिया, दे वेंट टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मतलब हम तो प्लेटफॉर्म वन पे ही उतरे, बट दे वेंट टू आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर जो इनका लास्ट है 4th या 6th, वहीं है। तो अब उनका वेट कर रहा हूँ, उनको मैंने लोकेशन भेजा है, वो आए तो फिर उनको भी ले के फिर आगे बढ़े और आगे आपसे प्लान डिस्कस करते हैं। हमारी बाकी की जो जनता थी वो भी आ चुकी है अपना सामान उतारते हुए। हमने तो उतार लिया, हमने अपनी जगह भी देख ली है, अभी इनको लेके चलते हैं। ये भरत मिलाप अभी वहाँ ऊपर जाके होगा। करण अर्जुन में से करण तो पहले ही आ गया था, अभी अर्जुन भी आ चुका है। आगे से लेफ्ट अपना तो चालू ज रहे। हाँ मैडम बिल्कुल। ये भाई हमारे ग्रुप, दूसरा वाला ग्रुप, हमारे करण के साथ वाले अर्जुन। स्टेशन पे एंट्री हो चुका है और यहाँ पे लेडीज़ लोगों ने अपना काम भी चालू, यहाँ पे बिछौना लग चुका है, बच्चे अपना एकदम राजा बाबू बन के एकदम बैठे हुए हैं। इवा सब लोग एकदम ऐसा मुंह लटकाए हुए, सबको बोला खाना, सबको भूख लगी है और लेडीज़ हमारी प्रिपरेशन में लगी हुई हैं। ये हमारा जेंट्स का जत्था, ये हमारे ऐसे हैं जो स्माइल स्पेशलिस्ट हैं, गिविंग स्माइल्स टू एवरीवन, इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। और ये जो सारा टूर जो हम करने वाले हैं वो इनकी बदौलत है। ये हमारे ट्रैवल एजेंट तो दूसरों के लिए, लेकिन हमारे घनिष्ठ मित्र हैं मिस्टर पार्थ। तो इन लोगों से हम है ना डिटेल में बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, इन लोगों को अच्छे से लेंगे, लिया जाएगा साइड में कि आओ बेटा हवेली में। तब तक इन लोगों के खाली आपको चेहरे दिखा दिए हैं, सब लोग एकदम चमक रमक के सज धज के छैला बाबू बन के आए हुए हैं। अब थोड़ा सा यार कुछ खाया पे वो भोजनम भक्षणम किया जाए, उसके बाद आप लोगों से गप जाते हैं। ट्रेन हमारी लग चुकी है, हमारा जीमण भी हो गया है। अब ट्रेन नंबर है हमारा 22957 और उसका जो है ये वेरावल टू अहमदाबाद, वेरावल से अहमदाबाद। और हमारा जो बोगी नंबर है वो है B1, तो B4 है ये, B3 ये है, B1 एकदम आगे है। B1 यहाँ पे हमारा है 9 से लेके 14 तक, ये रहा यहीं पे, ये देखो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 to 16, ये वाला हमारा बोगी है। अब बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, वो लोग आए तो बैठेंगे। एक्चुअली ये ट्रेन अहमदाबाद से निकलती है बनके, लेकिन अहमदाबाद में जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से ये लोग ट्रेन इन्होंने डिटूर किया है साबरमती से। तो ये ट्रेन जो 10:10 पर अहमदाबाद से निकल के यहाँ पे ऑलरेडी 10:45 के आसपास आ चुकी है और यहाँ 10:20 पर यहाँ से निकलेगी। हमारे पास एम्पल टाइम है, हमने खाना भी खा लिया है, अब बस गड़िया में बैठेंगे और थोड़ा गप्पे शप्पे मारेंगे, थोड़ा वीडियो सीडियो बनाएंगे, तब आप लोगों से गप आएंगे। हमारी जनता तो अंदर सेट हो गई है, बाकी जो दूसरे कोच में हैं B1 में वो भी सेट हो रहे हैं। बाकी भाई साला सुनसान रेलवे स्टेशन है बे, पानी का बोतल भी नहीं है। हम 2-3 लोगों से पूछे तो बोले कि आगे विराम गांव आएगा, वहाँ पे रुकेगी, वहाँ से बोतल ले लेना पानी का, बिना पानी के यार कैसे रात को ट्रैवल करेंगे। अगरा है देखो, अब यहाँ 10:20 पे यहाँ पे छूटेगी, 5 मिनट में सवा 10 हो चुके हैं, तो बस निकलेंगे थोड़ी देर में।
ये बच्चे अपने मजे ले रहे जिंदगी के। फाइनली हम बैठ चुके हैं, ट्रेन चल चुकी है, अब हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है। साला जो गर्मी था भैया भयानक, इसको बोलते भयानक। तो अब देखते हैं अब क्या होता है, अभी इन लोगों का भी तांडव थोड़ा कम हो तो फिर सोने का प्रबंध किया जाएगा। तब तक मैं जाके वहाँ पे हमारे जो दूसरे सहपाठी है उन्हें भी देखना पड़ेगा कि वो लोग सेट हुए हैं। ये देखो इनको मस्ती चढ़ रहा है, इनको सबको। ये एक तो ऊपर है यहाँ पे। फुल मजे कर रहे हैं बच्चे, फुल मजे। आंटी हो गए सेट? चलो आंटी का तो हो गया काम, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया सर सेट। काम कर रहा हूँ, मेरा वीडियो ले लो। वही काम करते हुए ले रहा हूँ। घर पे तो नहीं करते पर ट्रेन पे कर रहे हैं। अरे वाह, देखो देखा, ये है ना अलौकिक सीन है जो कि हमको देखने को नहीं मिलता। ये प्रभु हमारे कभी घर का काम नहीं करते, गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं, आज मजे ले रहे हैं और मैडम लोग इनके मजे ले रहे हैं। वाह 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 वाह, कहाँ गए पार्थ भाई? पार्थ भाई अलौकिक दृश्य दिखा रहे हो काम करने का। ये भी कभी काम नहीं करते हैं भाई, आज एकदम वेडिंग वेडिंग लगा के है सेट भैया सेट। यहाँ देखो चंगू मंगू ऊपर मजे ले रहे, एक तो रूबिक्स क्यूब से हेलो, तीन बंदर है। लेकिन ये वाले हमारे फ्यूचर के बंदर है, एक बोलता है कि नेटफ्लिक्स देखने का, दूसरा बोलता है आइसक्रीम खाने का और तीसरा बोलता है खूब मौज करने का, है ना। वेरावल रेलवे स्टेशन, वो भी बिफोर टाइम, 6:10 6:20 का टाइम, 6:10 का टाइम था, गड़िया ने 5:50 पे उतार दिया हमको। और रोड तो साला मैंने खुदा हुआ देखा है, पहली बार देख रहे हैं जो कि है ना स्टेशन खोद दिया भाई। सामान वामान निकाला जाए, सामान वामान रखा जाए और फिर लोगों से गपियाया जाए। आधे से ज़्यादा लोग तो अभी भी सो ही रहे हैं। हमारा सामान ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी है, देखो बाकी की जनता हमारी उठे तो जाए। जनता हमारी प्रजा आ चुकी है साइड में, सुबह सुबह जबरदस्ती उठा उठा के सबको। ये देखो एकदम, ये देखो, हाँ ये देखो, इन दोनों का चेहरा देखो कैसा बबूचक जैसा हो रखा है एकदम। हाँ ईवा फ्रेश लग रही है ईवा, इसको भी सुन मार गया। बस यार अब यहाँ से सामान लेके जाएंगे एक नंबर पे, वहाँ पे हमारा कैब शायद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वहाँ पे चाय बैठेंगे, चुस्ती मारेंगे चाय का और फिर आप लोगों से कब कहेंगे। वेरावल हम पहुँच चुके हैं और वेरावल से सोमनाथ 5 से 7 किलोमीटर है, तो 15-20 मिनट में हम शायद सोमनाथ भी पहुँचें। अभी देखते हैं क्या है, क्या सिचुएशन है कैब का, है ना, बात करता हूँ आप लोगों से। लगेज हमारा पैक हो चुका है, बस अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे सोमनाथ के लिए। एन रूट टू सोमनाथ नाउ, और अब बस यहाँ से सोमनाथ जाएंगे। उससे पहले यहाँ से सोमनाथ एक्चुअली 10 किलोमीटर है, तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 15-20 मिनट्स मैक्स। वहाँ पहुँचेंगे फिर वहाँ पे किसी होटल वोटल में रुक के फिर यू नो आगे का प्लान बनाते हैं। तब तक ये देखो यहाँ घुसते ही जहाज दिखने लग गए हमको। अरे वाह यार, भाई साहब फाइनली एक होटल मिल गया अच्छा सा, जहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है टेम्पररी वेरावल में। तो यहाँ से चेक इन करते हैं, रूम में घुसते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। अरे भाई दिस इज आवर रूम टूर, ये देखो ये देखो ये देखो, बच्चों को देखो बेटा, चप्पल नहीं, चप्पल नीचे, रुको रुको, ये बच्चों का, ये हमारा रूम। यहाँ पे अभी थोड़े देर के लिए हैं हम, देखो बाथरूम कितना अच्छा है, तो वॉशरूम वेरी नीट एंड वेरी क्लियर, यहाँ पसीने में भरे हुए अंकुर भैया। और यहाँ पे हमारा कबर्ड्स हमको दिए हुए हैं अपना सामान रखने के लिए।
अब ये होटल कौन सा है, हम लोग कितना क्या टैरिफ में रुके हैं, ये अभी मैं आपको थोड़े देर में बताता हूँ। पहले थोड़ा सा हवा हवा खाने दो, ठीक है? बहुत मस्त है, मैं ये चलो अभी बात करते हैं आप लोगों से। दोस्तों ये हम लोग इस प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं जिसका नाम है होटल आदित्य मान सिंह। होटल आदित्य मान सिंह होटल एंड रिसॉर्ट्स। यहाँ पे अच्छे रूम्स थे यार, वेरी डिसेंट रूम्स, वेरी नीट क्लीन, एकदम पॉश वाला फीलिंग आता है, लग्जूरियस रूम्स हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा नहीं रुकना हो तो, दिस इज़ अ नाइस ऑप्शन वेयर यू कैन लुक इन टू। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ जो मंदिर वाला जो एरिया है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे आपको होटल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे लॉजेस मिल जाएंगे जो कि कम रेट में भी मिलेंगे। हमारा कंस्ट्रेंट ऐसा था कि हम लोग 4 फैमिली थे, सो वी नीडेड 4 रूम। तो हम लोग यहाँ पे रुके, 1.5-2 घंटा हम लोग रुके हैं, अब यहाँ से बस निकलेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ आप लोगों से बात करेंगे। फाइनली दर्शन हमारे हो गए सोमनाथ बाबा के, बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही खतरनाक जिसको बोलते हैं ना दर्शन हुए, एकदम सामने से मन तृप्त हो गया यार, बहुत ही सुंदर। बस अब यहाँ से निकलेंगे यार, बहुत भयानक गर्मी हो रही है, बस यहाँ से निकलते हैं और फिर आप लोगों से आगे बात करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। दर्शन तो हो गए यार जैसा कि आपको बताया था, अब यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है कि यहाँ से बस निकलते हैं और आपको त्रिवेणी संगम दिखाएंगे सोमनाथ वाला, और एक बालका मंदिर करके है जहाँ पे कृष्ण भगवान को जो तीर लगा था उनके अंगूठे में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस वहाँ निकलते हैं और वहाँ जाके आप लोगों से गप आते हैं। बाकी द फीलिंग वॉज मैजिकल, जो अंदर जो एनर्जीज थी, जो शांति थी ना, इट वॉज मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, बहुत मजा आया। ये हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम जो कि सोमनाथ का है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि ये 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे आपको साइड में इन्फॉर्मेशन आपको पिक आ रहा होगा, हिरेन, कल्पी और सरस्वती, इन 3 नदियों को मिलाने के बाद ये संगम बनता है। अंदर चलते हैं और संगम के दर्शन करके फिर आगे निकलते हैं। ये पूरा का पूरा ये त्रिवेणी संगम वाला एरिया है। गर्मी इतनी है भाई, आदमी सूख गया तो ये नदी तो क्या चीज़ है। नदियाँ भी सूख गई है, पानी ज़्यादा है नहीं, यहाँ कबूतरों को दाना वाना डालना हो तो उसकी जगह। और ये यहाँ पे जिसको फोटोग्राफी करना हो या संगम के दर्शन करने हो वो ये है। ये ईवा हमारी छुटकी मजे ले रही है। ईवा अच्छा लग रहा है? ईवा अच्छा लग रहा है? ओ माय गॉड, इसमें तो मछलियाँ भी है तालाब में, पर गंदगी बहुत है, तालाब में मछलियाँ भी आ रही है। वाह 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 वाह, दिस इज ऑल अबाउट त्रिवेणी संगम। अब यहाँ से आगे निकलते हैं यार, भूख लग रही है भयंकर। तो अब सोच रहे हैं कि कहीं पे अच्छी जगह रोक के यहाँ पे कुछ खाया जाए और उसके बाद है ना आगे निकलेंगे। गई माता गौआ, ये गौआ प्यार प्यार में हमको घुसेड़ नहीं दे। और ये अनिका इन लोगों को, इन मछलियों को दाना डालते हो। अनिका डालो दाना, हम दिखाएंगे सबको। दाना डालना है? हाँ डालो बेटा दाना। ओ ये एक तो मर भी नहीं खा रही है, नहीं खा रहे, कुछ नहीं खाते बेटा।
ये मछलियों का भी पेट भर गया, बोले कि हमको भी कुछ अच्छा खाना खिलाओ, तुम एक ही दाना दाना खिलाते हो, घी लड्डू वड्डू खिलाओ। लंच के लिए यहाँ पे रुका गया है, सब लोग एकदम तृप्त हो गए हैं, गर्मी में एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम। साला 11 बज रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे 2 बजे की धूप हो, हालत ख़राब। यहाँ पे यार ऐसा सोचा है कि डायरेक्ट लंच ही करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल चुका है, और अगर अभी कुछ हैवी कर गया तो आगे फिर 2-3 बजे फिर खाना मुश्किल होगा। इससे अच्छा अभी अच्छे से हैवी लंच वंच कर लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। होटल सुख सागर, यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट में हमारा अभी लंच निपटाया। लंच वॉज वेरी गुड, हाँ डेफिनेटली रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लंच कर सकते हैं। हमने मतलब भर भर के खाया है पेट। अब यहाँ पे अब ऐसा सीन है कि हम जिस होटल में अभी सुबह रुके थे, होटल आदित्य मान सिंह, वो यहाँ सामने ही है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे, अपना सामान वापस से वहाँ पे रखवाया है तो लोड करेंगे और फिर है ना आगे निकल जाएंगे। यह है विश्व प्रसिद्ध भालका मंदिर। इसका नाम भालका इसलिए पड़ा क्योंकि भल का मतलब होता है बाण, और ये वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने देह त्यागे थे जब एक शिकारी ने डियर जो होता है मृग, उसका मुंह समझ के उनके अंगूठों में बाण मारा था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हमारे दर्शन हो चुके हैं अंदर, मैंने अंदर यार फ़ोटो नहीं खींचा, आई डोंट लाइक टेकिंग पिक्चर्स इनसाइड अ टेम्पल। तो बस हमारा काम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से ऐसा है कि प्लान कि अब होटल जाएंगे और हमारा सामान लेके फिर यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज का जो ये व्लॉग 1 है उसको आज यहीं पे पूरा करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए वापस से तैयारी करनी है और हमको आगे निकलना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, 33-34 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 40 प्लस टेम्परेचर है, एंड ह्यूमिडिटी इज़ किलिंग, बहुत भयानक गर्मी है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे, उम्मीद करता हूँ कि हमने जो पसीना बहाया, हमने जो आपको ये चीज़ें दिखाई वो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो दूसरे लोगों को भी दिखाना, शेयर करना, है ना। तो बस अब निकलते हैं, आज के लिए ब्लॉग हमारा यहीं पूरा करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, अंकुर सा साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, स्टे हंग्री, स्टे ब्लेस्ड, बिलीव इन योरसेल्फ गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा, यहाँ से अब नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत आगे जाके करेंगे, और अब जो जगह जाएंगे वहाँ पे फुल ऑन मस्ती करेंगे। यहाँ पे हमने पूजा कर लिया, स्पिरिचुअल कॉस्मिक एनर्जी ले लिया, अब जहाँ जाएंगे वहाँ पे फुल ऑन ब्लास्ट करेंगे। तो बने रहिएगा, ये सीरीज़ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको मज़ा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।